हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संगीता और संगीता किचन में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मैंने किया है आलू की सब्जी। जो आलू की सब्जी फ्राई कैसा करना है, बहुत ईजी और आसान तरीके से आप इस तरीके से सब्जी बना सकते थे। ये मैंने कुछ आलू लिया है आधा के जी इतना, और उसको उबाल के उसके ऊपर का जो छिलका है ये मैंने उतार दिया। तो इस तरीके से ये पूरे आलू पक गए हैं। तो इसको एक ही सीटी लगाना ही, ज्यादा नहीं, और उसके बाद इस तरीके से कट करके लेंगे। ज्यादा छोटा छोटा नहीं है, थोड़ा जाड़ा ही रखना है। तो हम अभी कढ़ाई चढ़ के उसके अंदर 2 चम्मच इतना मैंने ऑयल डाला है और 1 कटोरी इतना मैंने प्याज डाला है। तो इसको अभी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होता है तब तक ये चम्मच से चलाते रहने का। तो अभी थोड़ा सा जीरा राई भी इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि वो टेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा रहती है। जीरा राई डालने से उसकी टेस्ट बहुत अच्छी आ जाती है। तो उसके बाद जो थोड़ा सा कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता भी इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे कम से कम 2 से या 3 मिनट तक। जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई नहीं होता है तब तक इसको फ्राई करते ही रहना है। तो देखिए, इस तरीके से काफ़ी मस्त और टेस्टी मज़ेदार सुंदर रेसिपी बन जाती है। अभी हमने डाला है और हरी मिर्च और लहसुन का जो पेस्ट बनाया है ये पेस्ट ऐड करेंगे। जो हरी मिर्च है वो आप आपके हिसाब से ले सकते हैं। आपको कितना तीखा चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप ज़्यादा तीखी वाली मिर्ची ले लीजिए, अगर आपको कम चाहिए तो आप कम तीखी वाली मिर्ची ले लीजिए। देखिए कितना मस्त लग रहा है। अभी फिर थोड़ा सा ऑयल ऐड करके हल्दी और नमक डाल देंगे और जो अपने पास आलू है उबले हुए तो ये आलू डाल के अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है और इसको 5 या 6 मिनट तक अच्छे से पकाना है। ढक्कन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें, अगर ज़्यादा आपके आलू कच्चे रह गए तो आप ढक्कन डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, वो बिल्कुल ऑप्शनली है। देखिए कितना मस्त लग रहा है, बहुत ही सुंदर और मज़ेदार टेस्टी रेसिपी बन जाती है। बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी या गेहूं की रोटी, चावल, कौन सी भी रोटी के साथ आप खा सकते हैं। देखिए कितना मस्त और अच्छा लग रही है ये रेसिपी, काफ़ी मज़ेदार रेसिपी। आप ज़रूर इस तरीके से रेसिपी बनाने के लिए ट्राई करिए। महाराष्ट्र की फेवरेट रेसिपी है, जिसको आप ऑफिस के लिए या पिकनिक या स्कूल टिफिन के लिए किसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए कितना मस्त लग रहा है, वाव यूनप्पा, तो ये सुंदर और अच्छा रेसिपी बन जाती है अगर आप मेरे तरीके से रेसिपी बनाओगे तो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी मेरे पास नए नए वीडियो मैं डाल दूँगी वो आपके पास पहुँच जाएंगे। देखिए कितना मस्त लग रहा है, वाव यूनप्पा, ये सुंदर सुपर टेस्टी आलू की सब्जी बन गई और कम 6 या 7 मिनट के अंदर ही ये सब्जी बन जाती है। देखिए कितना मस्त लग रही है और इसकी टेस्ट भी बहुत अच्छा रहती है। आप ज़रूर एक बार तो ज़रूर आप ट्राई करिए। देखिए चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।